शनिवार को पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने यूनिक हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाया। इस दौरान पूर्व महापौर ने कहा कि वैक्सीनेशन के डोज से आम जनता को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूर्णतः सुरक्षित है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ये डोज आम जनता की सुरक्षा के लिए लाया है। इस बीमारी से सभी को बचना है, वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। आज वैक्सीन का मैंने पहला डोज लगवाया है, 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। एकदम नॉर्मल अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी फैली है उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। हमारे डॉक्टर साहब हैं यूनिक हॉस्पिटल के प्रमोद निमा जी, उनके सानिध्य में मैंने ये वैक्सीन लगवाया है और सभी लोगों से निवेदन करूंगी, शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। हाँ, कुछ क्राइटेरिया है इसमें, 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को पहले वैक्सीन लग रहा है, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, इनको पहला डोज लग चुका है और 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमको वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मोदी ने जिस प्रकार से संकट काल की घड़ी में जो लॉकडाउन करके और उसके बाद वैक्सीन निकाल कर जो उन्होंने इस देश को बचाया है, मैं पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं। और उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सपत्नी वैक्सीन लगवाया, तो सभी से निवेदन है कि बहुत ही सरल तरीके से और जिस प्रकार इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार वैक्सीन लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं।